नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, तेज तर्रार नेता जीएस बाली। बाली साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। बाली साहब, आप कांग्रेस के जाने माने स्थापित नेता हैं। सौभाग्य से आपने हार का मुंह नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी में अपनी बात मनवाने का, अपने विभागों पर अपना कंट्रोल रखने का, नियंत्रण रखने का आप मादा रखते हैं। राजनीति की बातें भी आपसे करूंगा, लेकिन शुरुआत करता हूं आपके अपने महकमों से। आपके महकमे ऐसे हैं जो आम जनता, गरीब से गरीब, निचले स्तर तक जुड़े हैं, चाहे वो खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, परिवहन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन, ये महकमे आपके पास हैं। बाली साहब, क्या आप 3.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है सरकार का और आपके पास इन महकमों का, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि इंसान की कभी नहीं होती। मैं सदा ये कहता हूँ कि दिल मांगे मोर। बिल्कुल। और एम्बिशियस होना एक अच्छा काम है, ओवर एम्बिशियस होना बहुत गलत कार्य है। जब भी कभी आपके पास कोई जिम्मेवारी आती है जी, बिल्कुल, तो उस जिम्मेवारी को आप ऐसे महसूस करें कि वो एक आपका कार्य है, और उस कार्य को जो आपकी ड्यूटी है, जिसके लिए जनता आपको चुन करके भेजती है, वो जिनकी आप नुमाइंदे हैं, आपको वोट किसने दिया है, उसकी आपसे क्या अपेक्षा है, क्या वो चाहते हैं। और आज के युग में RTI है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी एक ऐसी स्थिति को लाती हैं जहां आपको हर चीज़ का बैलेंस करना है और अपने वोटर को संतुष्ट भी करना है, अपनी कार्य प्रणाली को ठीक भी रखना है। और सरकार में जो हम कसम खा करके कॉन्स्टिट्यूशन की आते हैं, संविधान के, उसके दायरे में काम भी करना है। और उसके साथ साथ सिर्फ यही बात नहीं रुकती, उसके साथ आप लोगों से भी बचाव करता रहना है। एक जैसे बात करते हैं खाद्य आपूर्ति विभाग और सस्ता राशन सरकार देती है, विवाद होते हैं कि टेंडर प्रक्रिया सही नहीं थी, क्वालिटी फूड नहीं मिला, दाल ठीक नहीं मिली, या कई बार होता है कि देना था रिफाइंड दे दिया सरसों ऑयल, ये क्या है, ये क्यों होता है? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट, ये भी थोड़ी सी मिथ है। एक ऑनरेबल कैबिनेट ने 3 ग्रुप बनाए हैं। पहले क्या था कि L1 जो आता है, जब टेंडर होंगे, ग्लोबल टेंडर मैंने किए आके, ग्लोबल टेंडर होते हैं, उस ग्लोबल टेंडर में जो L1 आएगा उसका माल लिया जाएगा, L1 से ऊपर मैं जा नहीं सकता हूँ। अभी आपने सरसों की बात की, वो भी उस पर भी आऊँगा मैं। L1 जब कोई दाल आ जाती है, तो पहले क्या था कि चने की दाल सबसे सस्ती थी, तो चने की दाल सदा L1 आती थी, लोग कहते थे हमें चने की दाल ही दे रहे हैं। फिर हमने कहा कि इसका समाधान कैसे हो, हमने 3 ग्रुप बनाए। एक तो हमने मोटी दालों का बना दिया, दूसरा ग्रुप बना दिया मूंगी की दाल, मसर की दाल, काले मसर, ऐसा है। तीसरा ग्रुप बनाया चने की दाल, माँ की दाल, ऐसे, जो कि 3 ग्रुप में से जो L1 आता है हम उसको लेते हैं। वो मेरे पास पावरे नहीं है कि L1 ना आए और उसको मैं ले लूँ। तो लोगों को ऐसे लगता है कि जी, कई बार क्या कि कई महीनों तक मार्केट जो है, एक चीज़ जो है वो सस्ती रहती है, तो वो जब रेट नहीं आएंगे तो उतना दे नहीं पाएंगे। राशन कई जगह गांव में समय पर नहीं पहुंचता, ऐसी शिकायतें भी लोग करते हैं। देखिए, मैंने नंबर लगवा दिए हर उसमें कि डिपो नंबर क्या है। मैं कहता हूँ मैं शिकायत भेजो अगर राशन नहीं पहुँचा। ऐसी शिकायतें अब बहुत कम आती हैं। आपने तो अपना टेलीफोन नंबर तक डिपो के बाहर लिखवा दिया है, बसों के ऊपर आपका पर्सनल टेलीफोन नंबर लिखा रहता है, तो कई बार कोई कोफत नहीं होती कि भाई बहुत ही फोन? कोफत तो है, मगर उसके साथ साथ जो हमारे अधिकारी हैं वो सावधान रहते हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको, जिन लोगों ने मुझे जिता के भेजा है उनको मेरे से क्या उम्मीदें हैं, वो उम्मीदों के ऊपर मैं खरा उतरूं और लोग मुझे अच्छे के लिए याद करें। मगर जब मैं आया था 13 में, जब मैंने ट्रांसपोर्ट महकमा लिया था, तो मुझे ये शिकायत आती थी बस चो रही है, ब्रेक नहीं लग रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने लोगों से ये कहा था, मुझे 1 वर्ष दीजिए, 1 वर्ष में मैं इसको चेंज करूँगा। तो 1 वर्ष में मैंने नई बसें डाली।
आज पहली बार हिस्ट्री में होगा किसी देश में, पूरे देश में मैं कह सकता हूँ पूरे देश में, कि 80% जो है हमने अपना जो बेड़ा है वो नया कर दिया है। सड़क परिवहन हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मोड है ट्रांसपोर्ट का, आम आदमी का, और गांव-गांव तक बसें जाती हैं, सड़कें ज़्यादा हो गई, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो इसके लिए क्या है, क्या कहीं ड्राइवर्स की कोई ट्रेनिंग की कमी है, या बसें आप कह रहे नई आ गई हैं बट पुरानी नहीं हैं बसें, पहले इस तरह फेलियर्स हो जाते हैं? नहीं, दोनों तीनों बातें, ह्यूमन फेलियर इज ए व्हाट यू विल आस्क फॉर एक्सीडेंट। ह्यूमन फेलियर भी होते हैं, जब हम चलाते हैं, हम आप चलाते हैं तब भी गलती होती है, कहीं मोबाइल सुनते हुए, तो हम उसके ऊपर रोक लगाने का पूरा प्रयास करते हैं। समय समय पर मैं अपने आप एडवाइजरी भेजता हूँ एमडी को कि भैया बरसात हो गई, अब ये गाड़ी स्लिपरी ना हो, ऐसी जगह पे ना जाए, बर्फ़ पड़ गई, बर्फ़ में रिस्क ना लें, ये सारी एडवाइजरी मैं अपने आप भी भेजता हूँ। जहाँ तक HRTC के ड्राइवर का सवाल है, वो मैच्योर्ड, अच्छे और एक जो गुणवत्ता है उसका वहाँ पूरा ध्यान रखते हैं। प्राइवेट में कई बार ऐसे इंसिडेंट आए हैं कि ड्राइवर कोई होना था और उसके साथ दूसरा बैठ गया और वो गाड़ी लेके चला गया, ऐसे भी इंसिडेंट आए हैं। हमने रोड सेफ्टी काउंसिल में, जिसमें माननीय गडकरी जी ने मुझे दायित्व दिया कि जो हिल स्टेट सारी हैं उनका मुझे चेयरमैन नियुक्त किया है, उसके ऊपर रोड सेफ्टी के ऊपर बड़ा काम चला हुआ है। अभी टांडा में, नगोटा में, कांगड़ा में अभी नेशनल रोड सेफ्टी की काउंसिल की मीटिंग हुई थी, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ट्रांसपोर्ट के, रूरल डेवलपमेंट के सारे आए थे। हम लोगों ने प्रयास किया उनके सामने अपने दिखाने का। मैं प्लीड कर रहा हूँ पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि हमारी ज़रूरत अलग है, हिल्स की टोपोग्राफी हमारी होने के कारण हमारी ज़रूरत अलग है, कृपा करके हमें 4,000 फुट से ऊपर क्रैश बैरियर दीजिए। तो वो गडकरी जी मान गए हैं और उन्होंने वादा किया TV के ऊपर, एक दिन मैं सुन रहा था। गडकरी जी को आपने कैसे मनाया उस पर भी आऊँगा, और आप तगड़े सियासतदान हैं ये बात भी करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हम यूं गए और यूं लौटे। GS बाली जैसे तेज तर्रार स्थापित नेता को ऐसा क्यों होता है कई बार असंतोष मन में, और फिर इस्तीफा दे दिया, गाड़ी लुटा दी सरकारी, ये क्यों करते हो आप? दैट्स व्हाई आई एम GS बाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाली साहब, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आला कमान में भी आपकी पकड़ है, आप कितने मजबूत हैं पता लगता रहता है। आप एक स्थापित ब्राह्मण नेता हैं, वो भी निचले हिमाचल के, न्यू हिमाचल के कहें। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस में जब भी मुख्यमंत्री बनता है तो अपर हिमाचल या पुराने हिमाचल से बनता है? देखिए, दो बातें हैं इसमें। जहाँ तक आपने बात कही कि हाई कमांड में श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी हमारे नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, और मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं है कि पूरे परिवार के साथ उनका सदा मुझे आशीर्वाद रहा है। मगर ये सारी चीज़ें आपको तब मिलती हैं कि आप पार्टी के लिए सिंसियरिटी से काम करते रहें। दूसरी बात आपने ये कही कि ब्राह्मण नेता, देखिए मैंने जब इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी पूरे मर्ज एरिया में सुफड़ा साफ हो गया था, और हम लोग 3 या 4 लोग जीते थे पूरे मर्ज एरिया की बात कर रहा हूँ, ओबीसी बहुल क्षेत्र आपका। ओबीसी बहुल में मेरा मार्जिन उसमें काफ़ी ऊपर था बाकी सबसे, क्योंकि BJP का एकदम वहाँ उस वक्त पूरा ऐसी हवा चली कि मीरपुर पूरा साफ हो गया। तो जब हम लोग जीत के आए तब भी लोग ये कहते थे पहले कि जी ब्राह्मण कोई ओबीसी है, ओबीसी बवल्य के क्षेत्र है, 85% 90% ओबीसी हैं। मैं उनका ज़िंदगी भर एहसान मानता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, काम करने का मौका दिया, और माँ चमंडा की कृपा से उन्होंने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, चाहे कांग्रेस की सरकार बनी हो ना बनी हो, लेकिन आप 2007 में जब सबका मंत्री सारे हार रहे थे
तो तब भी मुझे 7,000 के करीब मतों से जिता दिया और मेरा मार्जिन मुख्यमंत्री जी के बाद नंबर दो का था उस वक्त भी। आपको नहीं लगता जैसे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह, 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 6th time अभी है, अभी हाल में एक स्टेटमेंट आई कि वो 7वीं बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको नहीं लगता कि नई लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए? अभी तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप क्यों नहीं बन सकते? देखिए आप में क्या कमी है? वीरभद्र जी 6 बार मुख्यमंत्री इसलिए, देखिए मैं वीरभद्र जी को बहुत पहले से जानता हूँ और हमने इकट्ठे बहुत नज़दीकी से काम किया है, बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं, दिल लगा के करते हैं और हर चीज़ में डिटेल में जाते हैं, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो थी वो ओल्ड हिमाचल से लेकर के न्यू हिमाचल तक थी, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी के साथ उनको कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद नेतृत्व का वो मिलता रहा। अब जो सेकंड लीडरशिप की बात है, इसके बारे में मेरा मत बिल्कुल क्लियर है कि नेता वो ही बनता है जिसका जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे प्रदेश में हो। अब सरकमस्टांसेस और भविष्य, इसके बारे में कोई भी वो नहीं कह सकता है, धूमल साहब की तरह बोलना पड़ेगा कि ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि कर्म करते रहना चाहिए और कर्म ऐसा करें कि वो कर्म करें जिसके लिए आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। जी एस बाली जैसे तेज तर्रार स्थापित नेता को ऐसा क्यों होता है कि एक बार असंतोष मन में और फिर इस्तीफा दे दिया, गाड़ी लौटा दी सरकारी, ये क्यों करते हो आप? देखिए दैट्स व्हाई आई एम जीएस बाली। अच्छा, उसी लिए जीएस बाली में ये एक खूबी है कि मैं अपनी टर्म एंड कंडीशन पे पार्टी के डिसिप्लिन को सामने रखते हुए अपनी टर्म, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैंने कई बार कहा है, जिस दिन लगेगा कि मुझे सफोकेशन हो रही है, जिस दिन लगेगा कि मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही, जिस दिन ऐसा लगेगा कि जिन लोगों ने मुझे जीत के यहाँ पहुँचाया है और जो हिमाचल की जनता को मेरे से एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, मैं 1 मिनट भी घर को जाने को नहीं लगाऊंगा। सोनिया गांधी नगरोटा भगवा आएंगी आपके चुनाव क्षेत्र में, आपने कहा, मुख्यमंत्री ने रिएक्शन दिया कि आप कौन होते हैं, मुख्यमंत्री बुलाते हैं, ये क्या हुआ? ये देखिए आपकी हर बात पे वो नहीं रिएक्शन क्यों देते हैं? रिएक्शन मुख्यमंत्री जी ने दिया ये पुरानी बात हो गई, चलिए जवाब भी मैंने दे दिया, मगर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं भी जुम्मेवार आदमी हूँ, AICC का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बहुत वर्षों से, और सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है। ऐसा है जहाँ की बात है वहाँ देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 83 में मेरी फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, तो गायब गए वो कई उद्घाटन उन्होंने मेरे साथ किए, बड़ी बड़ी रैलियाँ हमने इकट्ठे की हैं, बहुत बड़ी बड़ी। ये मेरे मन में था कि बहुत दिन हो गए श्रीमती सोनिया गांधी जी को मेरे, ऐसे तो नहीं पहली बार आए, वो तब भी आई हैं जब स्ट्रगल से हम गुजर रहे थे, रैली को बड़ी बात नहीं है, वहाँ राजीव जी का स्टैचू लगा है और राजीव जी के नाम से वो इंस्टीट्यूशन है, उस कॉलेज का नाम है श्री राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। चल एक बात और बताइए, पिछले दिनों नितिन गडकरी आए हुए थे, जेपी नड्डा भी थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी अध्यक्ष रहे पार्टी के, तो वो तो आपने ही हाईजैक कर लिए, ऐसा क्या किया? और दूसरा नहीं, नहीं। एक बात और, फिर नड्डा ने कहा कि बाली जी आप हमारी पार्टी में आइए, ये क्या होता है? देखिए बात ऐसे है कि नितिन गडकरी जी सेंटर में ट्रांसपोर्ट मंत्री है, हाँ प्रदेश में, और प्रदेश में मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर काउंटर पार्ट, हम रोज ही उनके पास काम लेके जाते हैं और वो बड़े इज्जत सम्मान देते हैं, और जब आप एक दूसरे मिलते हैं तो पारिवारिक और सोशल रिश्ते भी बनते हैं। श्रेय बीजेपी को लेना था, श्रेय आप लेंगे? नहीं, श्रेय बीजेपी को इसमें क्या लेना और क्या, वो उनको जो दायित्व दिया वो काम कर रहे हैं, जो दायित्व हमें दिया काम कर रहे हैं, पेडरल सिस्टम है, जो हिमाचल का हक मिलता उन्होंने दिया। मैं गडकरी जी की एक टेलीफोन रिकॉर्ड करना चाहूँगा कि उनकी इंटेंशन ये होती है कि ये काम हो जाए, ये काम करो हो जाए। हमारे विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे काम थे जो वो दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, जो पहली बार आए वो पारिवारिक टूर पर आए थे, वह पारिवारिक टूर पे आए थे, मिनिस्टर इज मिनिस्टर, जैसे उतरे एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे उस दिन हमारा धरना था, तो मैंने वहाँ धरना दिया,
कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना दिया जंतर मंतर पे, जिस फ्लाइट में आया उसी में वो थे। अब जैसे उतरे हम लोग तो प्रेस वालों ने कहा कि नहीं जी आप बताओ ये करो वो करो, जैसे आप लोग पकड़ लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप ऊपर आ जाइए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता हूँ। जब वो ऊपर उन्होंने बुलाया तो स्वाभाविक था कि मैं ही था अकेला उनके साथ, तो बीजेपी के और लोग थे नहीं, मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ा। उनको याद था, उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि बाद में मैं माननीय मुख्यमंत्री से सांसद से बातचीत करके थोड़े दिन में फिर आऊँगा। लेकिन फिर पास करूँगा। आप उनको हाईजैक करके ले गए और बीजेपी देखती रह गई। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बाली जी के साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। हम तुरंत लौट रहे हैं। नगरोटा बगवा में ये नारा बड़ा कॉमन हो गया आजकल, कोई भी कार्यक्रम होता है तो प्रदेश का नेता कैसा हो, जीएस बाली जैसा हो, मुख्यमंत्री चाहिए नगरोटा बगवा को, क्या कहेंगे? वो अब वीरभद्र जी हैं, जगह खाली नहीं है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाली साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि नड्डा साहब ने आपको कह दिया भरी महफिल में कि आप पक्के हो जाइए, तरह तरह की बातें हुई और मुख्यमंत्री ने कमेंट कर दिया कि जिसको जाना हो जा सकता है। देखिए दो बातें इसमें, एक तो नड्डा जी ने वहाँ जो सभा थी वो कांगड़ा में पालमपुर में थी, और वहाँ हमारा मेरी कंस्टिट्यूंसी का भी ब्रिज जो बन रहा था उसका भी फाउंडेशन स्टोन था, और उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कौल सिंह जी गडकरी जी के साथ सब सभाओं में थे। मैं कांगड़ा में था उधर, क्योंकि उसी एरिया में था, और स्वाभाविक था कि मंत्री जी आए तो मेरा वहाँ उनको रिसीव करना और जाना। मगर वहाँ गैदरिंग थी, उस मौका था, सरकारी फंक्शन था, उसमें गडकरी जी ने अपने आप उठ करके ये कहा कि ये कोई भी जो नारा है वो ऐसा वैसा नहीं लगाएगा, और जब कुछ स्टेट सेक्रेटरी ने प्रोटोकॉल तोड़ने का प्रयास किया तो गडकरी जी उठे और उन्होंने एकदम ऑब्जेक्शन किया, एक सिग्नल देने का प्रयास किया कि मेरे प्रिय मित्र हैं ये है, उन्होंने प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद हूँ। नड्डा जी ने जैसे ही कहा तो क्योंकि वो मेरा एरिया है सारा, लोग तो वही जनता वही होती है, कांग्रेस और बीजेपी तो विचारधारा के साथ बढ़ते हैं, अदरवाइज पब्लिक वही है, सोशल सिस्टम में हम लोग इकट्ठे रहते हैं, तो एकदम लोगों ने बिस्लिंग और तालियां और उठ करके कूद कर शुरू कर दिया, तो उनको शायद लगा कि भड़ा भरी रिस्पॉन्स मिला है इस बात का। और धूमल साहब थे, शांता जी भी थे, उन सब ने एक तरह का वो रिस्पॉन्स करने के प्रयास किया, मगर मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, मैंने ये कहा कि नड्डा जी ने जो कहा उसके लिए उनका धन्यवाद। नारे से मुझे एक बात याद आ रही है, नगरोटा बगवा में ये नारा बड़ा कॉमन हो गया आजकल, कोई भी कार्यक्रम होता है तो प्रदेश का नेता कैसा हो, जीएस बाली जैसा हो, मुख्यमंत्री चाहिए नगरोटा बगवा को, क्या कहेंगे? देखिए वो उनकी भावनाएं हैं और लोगों की भावनाओं के ऊपर हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि ये मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, एमएलए सहवान और हिमाचल की जनता बनाती है, वो अब वीरभद्र जी हैं, जगह खाली नहीं है, इसलिए उसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए, और हमारे सबसे सीनियर नेता है, एस्टेब्लिश नेता है। और ये भी एक मिथ है कि हमारी दूरियां, पर्सनल तौर पे मैं उनके बहुत करीब हूँ और वो मेरे बहुत करीब है पर्सनल तौर पर, के राजनीति में कई बार पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो जाते हैं। आपके बयान से कई बार मुख्यमंत्री मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन उनके बेटे विक्रमादित्य और आप जो है गुफ्तगू करते हैं कमरे में बंद। ये देखिए बेटा जो है वो मुझे बच्चों की तरह है, हमारे हाथ में पैदा हुआ वो बच्चा, अब बड़ा होकर के वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, गाय बगाए वो मिलने भी आता है। आपके बेटे रघुवीर ने तो उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा, इलेक्शन लड़ा वो दोनों का इलेक्शन लड़ा और जोर शोर से लड़ा, और प्रिंसिपली मैं प्रिंसिपली बात करता हूँ, प्रिंसिपली जब जानू की एज हो गई तो हमने द्वारा इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर अब ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना है
और कांग्रेस पार्टी का यूथ आगे बढ़े, इसके लिए मैं सदा प्रयास करता हूँ। क्या रघुवीर बाली कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से ब्राह्मण नेता पूर्व मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का मुकाबला करेंगे? देखिए शांता जी, अब फिर घुमा फिरा के ब्राह्मण और उस पर ला रहे हैं, मगर रघुवीर का अपना स्थान है, ही इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर अमंग द यूथ और बहुत सारे वोट उसको उस पार्लियामेंट्री में उस वक्त ही पड़े थे। अपना काम करता है, हम लोग, हमें कोई काम नहीं है, हम दोनों परिवार के बल्कि सारे ही सदस्य, हम सुबह 5 बजे मिलना शुरू करते हैं और हम दरवाजा कभी बंद नहीं करते, तो हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, मगर इसमें एक बार भी नहीं सोचते कि हमें इससे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इसको सोच के कभी राजनीति नहीं करते, जो सेवा कर सकते हैं उसका प्रयास करते हैं और वो लगातार करते रहेंगे, चाहे वो वोटों की राजनीति में रहें चाहे ना रहें। माले जी, ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपको लगता है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बीच जो लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नज़र नहीं आती और लगता है कि दो परिवारों की लड़ाई हो रही है, चाहे मुख्यमंत्री के ऊपर केसेस बने हैं या फिर धूमल साहब के ऊपर बने हैं, उनके पुत्र अनुराग ठाकुर के ऊपर बने हैं, इससे विकास बैकड्रॉप पे नहीं चला जाता, बैकसीट पे? एक दो काम माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिए थे मुझे, एक चार्जशीट बनाने का था, उसका अध्यक्ष मैं था, और दूसरा मैनिफेस्टो बनाने का था, उसका कन्वीनर मैं था। बड़ी देर ये बात होती रही कि चार्जशीट जीएस वाली ने बनाई है इसलिए खड़े हो जाओ, जीएस वाली जी ने, मगर आज तक आप एक, अब सीनियर पत्रकार हैं, एक मैंने क्या कहा था जो मैंने पीटर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा जिसके खिलाफ तथ्य मिलेंगे छोड़ूंगा नहीं, और जो इनोसेंट है उनके ऊपर ऐसे छीटाकसी करूंगा नहीं, और मैं स्टैंड करता हूं अपने हर चीज़ को, पर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आप इस बात को मैं टीवी के ऊपर नहीं कहूंगा, आप जब दोनों परिवारों से अलग से व्यक्तिगत बात करेंगे तो दोनों को मैंने प्रयास किया था कि लेट द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश डिसाइड, हिमाचल की जनता को डिसाइड करने दो, हमने उनके सामने चिट्ठा रख दिया है, अब लोगों को डिसाइड करने दो किसने क्या किया, लोगों को, लोग जो जनता जो है ये सब जानती है, तो लोग डिसाइड करें किसने क्या किया। मगर ये जो किसी एक व्यक्ति विशेष, अब मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, माननीय वीरभद्र सिंह जी का केसेस सब जुडिस है, उसके बारे में बार बार सवाल उठते हैं, जब सब जुडिस है फैसला आने दीजिए, जो फैसला होगा उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अंतिम प्रश्न, अनुराग ठाकुर BCCI के अध्यक्ष बने, क्या आपने उनको मुबारकबाद दी थी? हाँ बिल्कुल, मैंने मुबारकबाद दी, उसने जवाब नहीं दिया। नहीं देखो मेरी बात सुनो, वे दो बातें अलग अलग हैं, जब वो करने लगा पाकिस्तान वाला मैंने विरोध किया, क्योंकि उस वक्त हमारे लोगों के सेंटिमेंट्स की बात थी, अगर हमारा कोई बच्चा जा करके कहीं पे पहुंचा है तो उसके लिए मुबारकबाद देना अलग बात है, अगर गलत काम करेगा तो पकड़ लेंगे तभी तुरंत, अगर गलत काम करेगा तुरंत पकड़ लेंगे, मगर अगर आगे जा रहा है तो उसकी टांग खींचने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। बाली जी, आपने ETV के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारी शुभकामनाएं, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू, ग्रेटफुल। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, आप देखते रहिए ETV News। नमस्कार।